तो हम लोग बात कर रहे थे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास की, बराबर। तो यहां पर बच्चों मैं कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस लिख रहा हूं, उनको आपको याद रखने हैं, बराबर। जो एलिमेंट्स यहां पर लिखे जा रहे हैं उन सबके आपको एटॉमिक मासेस को याद कर लेना है, बराबर। एलिमेंट और यहां पर लिखूंगा ए एम यू, पहले हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम का जरूरी नहीं है जाने दो, चलो हाइड्रोजन, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। यहां पर वापस से एलिमेंट ए एम यू, देन यू हैव गॉट एल्यूमिनियम, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ नेटवर्क इश्यूज। यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे ए एम यू, ठीक है। अब कॉपर के बाद यू विल गेट जेड एन, बी आर एंड ए जी। एक मिनट, हाँ चलो बच्चों, तो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट। ये सब जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं उनके एटॉमिक मासेस आपको याद रखने हैं, बराबर। आपको ये पूरा टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट इतना याद रखना है कि हाइड्रोजन अगर कोई बोले तो एटॉमिक मास विल बी वन, अगर कोई मुझे लिथियम बोले 7, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन बोले तो 16, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स का आपको याद भी होगा, जिनका नहीं है याद कर लेना है। फ्लोरीन तो 19 इट इज, नियोन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24.3, एल्यूमिनियम 27, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, 56, कोबाल्ट 59, कॉपर का इट इज 63.5 एंड जिंक का इट इज 65.3, ब्रोमीन का 80 एंड सिल्वर का 108, ठीक है। देखो बच्चों, हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 114 से भी ज्यादा एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैंने उसमें से कुछ सिलेक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। इनके एटॉमिक वेट को आपको याद रखना है बच्चों। एटॉमिक वेट कहाँ से आया है, तो किसी भी साइंटिस्ट ने क्या किया, उस एटम को मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखा। मास स्पेक्ट्रोमीटर में रखने के बाद जो वैल्यू निकल करके आई उसको उसका एटॉमिक मास यूनिट वेट, एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, बराबर। चलो हाइड, अब मैं एलिमेंट्स के नाम बोलूंगा, आप लोगों को उसके मासेस बोलने हैं, बराबर। चलो हाइड्रोजन 1, लिथियम 1, 7, हाँ यू विल रिमेम्बर लाइक दिस, हाँ हाइड्रोजन तो दिया हुआ ही होगा, हमको सिर्फ याद रखना है उसका मास, इट इज 1। आपको सिंबल याद रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना, मैंने बीच बीच के बहुत सारे एलिमेंट्स को निकाल दिया है, बेरिलियम है, लिथियम है, बोरोन है, उनकी कोई जरूरत नहीं है इसीलिए। चलो लिथियम 7, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, फ्लोरीन 19,
आई सेड फ्लोरीन, आई एस्केप ऑक्सीजन, ठीक है. चलो बच्चों ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, नियॉन 20, नियॉन इज 20 एंड Na सोडियम इज 23, मैग्नीशियम 24.3, यस, एल्यूमिनियम 27, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, आयरन 56, कोबाल्ट 59, कॉपर 63.5, जिंक 65.3, ब्रोमीन 18, सिल्वर 108, ठीक है. आई एम गिविंग यू टू मिनट्स, आप फटाफट ये सब रिव्यू कर लो, फिर मैं एलिमेंट्स के नाम बोलूंगा और आपको वेट ओरली बोलने हैं. कम ऑन. चलो बच्चों, इज इट डन? नो सर. ओके. नो सर. यस, डू इट. बच्चों डू वन थिंग, आप लोग इनफ टाइम ले लो,
वैसे भी मुझे इसके बाद के लेक्चर में ही एटॉमिक मासेस कराने हैं, मैं सेशन को यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ। आप लोगों का टास्क क्या है, आप लोगों को एटॉमिक मासेस जो है उसको याद करके रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेसिस पे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ का सेशन आज यहाँ तक रख रहा हूँ। ये जो याद करने वाला कॉम्पोनेंट है उसको होमवर्क में कंसिडर कर लो, ठीक है। चलो बच्चों, ओके सर। यस, आप लोगों ने लिख लिया है ना ये सब एटॉमिक मासेस? यस सर। चलो डन, ठीक है बच्चों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग। बाय सर। बाय बाय।